मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताना है ताकि अगले टेस्ट का सिलेबस थोड़ा ठीक ठाक हो सके। ना ना, वो दो क्वेश्चन करेंगे, या तो जाते हुए करेंगे या नेक्स्ट टाइम करेंगे जितना टाइम बचेगा। पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेक्चर बीच में रुक जाएगा अगर मैंने नहीं शुरू किया टाइम पे, तो मैं ये मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक,
बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ध्यान आगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की तरह नहीं है, 2 × 3 6, 4 × 4 16, नहीं ऐसे होती तो फिर करवाते क्यों, वेक्टर एलजेब्रा है। मल्टीप्लीकेशन दो टाइप की है, क्योंकि हम नॉर्मल नंबर की मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे, हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं एक वेक्टर की वेक्टर के साथ, क्योंकि इसमें वैल्यूज भी होंगी और डायरेक्शन भी होंगी, वैल्यूज भी होंगी डायरेक्शन भी होंगी, और हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, वेक्टर की स्केलर, दो वेक्टर को ऐड करके वेक्टर आता है, दो वेक्टर को माइनस करके वेक्टर आता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर आता है। ओके, दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वेक्टर भी आ सकता है, आंसर स्केलर भी आ सकता है, ये अजीब है, एक आंसर नहीं है। तो आंसर दो टाइप के हो सकते हैं, तो आंसर वेक्टर भी हो सकता है, आंसर स्केलर भी हो सकता है। तो अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और आपका आंसर क्या आता है, वेक्टर, तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है, कोई स्केलर, स्केलर का मतलब कोई नंबर की डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ 2, 3, 4 कुछ नंबर वैल्यू आती है, तो हम क्या बोलते हैं उसे, स्केलर प्रोडक्ट, कुछ भी आ सकता है। तो आप पहचानोगे कैसे, लेफ्ट साइड देखे कि वेक्टर है या स्केलर है, तो अगर तो वेक्टर प्रोडक्ट है, अगर आंसर में वेक्टर आएगा, डायरेक्शंस आएंगी, तो फिर यहां पर लगाना पड़ेगा क्रॉस, क्रॉस, और अगर यहां पर स्केलर है तो क्या लगाना पड़ेगा, डॉट। तो अगर मैंने किसी भी न्यूमेरिकल में डॉट लगा दिया तो गारंटेड है आंसर स्केलर है, वैल्यू ही आएगी, और अगर क्रॉस लगा दिया तो फिर गारंटेड है कि आंसर में डायरेक्शन आएगी आएगी, और अगर कुछ भी नहीं लगाया तो जीरो मार्क्स है, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, रूल ही नहीं है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कुछ नहीं लगा, ऐसा हो नहीं सकता, पूछने वाला डॉट या क्रॉस लगा के देगा ही देगा। इसलिए अगर डॉट लगा के देगा आंसर स्केलर आएगा, क्रॉस लगा के देगा वेक्टर आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन दो टाइप की है, स्केलर एंड वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन स्केलर की डॉट, इसलिए इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट, रिप्रेजेंटेशन क्रॉस, दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, कैसे करते हैं मैं तरीका बताता हूं, 2 मिनट।
देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं बहुत ही ध्यान से देखना है आपने। आपको अगर दो वेक्टर्स गिवन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और आपको गिवन है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि तीन चीजें दी जाती हैं एडिशन में, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, रिजल्टेंट निकालने के लिए, एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी सेम है, हमें तीन चीजें दी जाएंगी ए वेक्टर, बी वेक्टर और थीटा। तो मैथ्स का फॉर्मूला है या फिजिक्स का फॉर्मूला है कि अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है मैथ्स वाली, 2 × 3 = 6 वाली। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, और एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है थीटा, तो कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। कैसे काम करेगा ये ध्यान से देखो। मान लो आपके पास तीन यूनिट वेक्टर आई जे के, और मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं आई डॉट आई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई विद आई। आई कैप का मैग्नीट्यूड बोलो ए, आई कैप का मैग्नीट्यूड बोलो सॉरी आई कैप का मैग्नीट्यूड इज वन, आई कैप का इज वन, तो आई डॉट आई इज ए बी कॉस थीटा का फॉर्मूला पुट किया जा रहा है। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड वन, आई कैप का वन इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई, एक वेक्टर का खुद के साथ ही एंगल क्या होता है जीरो, तो कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है वन, आंसर क्या आएगा वन। क्लियर यहां तक? फिर से इसकी वैल्यू क्या होती है वन, इसकी वैल्यू क्या होती है वन, और एंगल आई का आई के साथ जीरो होता है, तो कॉस ऑफ जीरो विच इज वन। आंसर देखो स्केलर आ रहा है, नंबर आया वन, तो याद रहेगा आई डॉट आई इज वन। फिर देखते हैं जे डॉट जे, जे का मैग्नीट्यूड इज वन, यूनिट वेक्टर है ये, जे का मैग्नीट्यूड इज वन, और एंगल बिटवीन जे एंड जे इज अगेन जीरो, कॉस जीरो इज वन, तो आंसर इज वन। ऐसे ही के डॉट के इज वन, जब हम आई डॉट जे करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज वन, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज वन, और एंगल बिटवीन आई एंड जे, आई और जे में एंगल कितना है 90, तो कॉस 90 क्या है जीरो, तो आई डॉट जे इज जीरो। क्लियर यहां तक? फिर देखें जे डॉट के, जे का मैग्नीट्यूड वन, के का मैग्नीट्यूड वन, और एंगल बिटवीन जे एंड के इज 90, और कॉस 90 इज जीरो, आंसर इज जीरो। तो एक शॉर्टकट बन गया, आई डॉट आई अगर सेम टर्म सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रही है आई और आई तो वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, और अगर डिफरेंट हो गया आई जे जे के जे का डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर इज जीरो। तो फॉर्मूलास क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। इसके बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्केलर प्रोडक्ट की। पहली प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट की कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर आप एक वेक्टर को बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे या बी वेक्टर को ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। मतलब आप ऑर्डर चेंज कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो स्केलर आना है। अगर आंसर 15 आना है तो 15 ही आना है, आप जैसे मर्जी कर लो। तो इस प्रॉपर्टी को मैथ्स में क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, अगर कोई ब्रैकेट आता है और ब्रैकेट के आगे ए वेक्टर लगा हुआ है और आप ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है यहां पे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, पर याद रहे डॉट को नहीं छोड़ना, क्योंकि वेक्टर है तो डॉट आएगा। तो क्या आएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, डॉट को नहीं छोड़ना। तो ब्रैकेट ओपन करना आ गया, इसमें डॉट को नहीं छोड़ना, डॉट साथ रहेगा। उसी तरीके से अगर ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ए और बी आर इन सेम डायरेक्शन, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? ए वेक्टर की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज जीरो, बिकॉज दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। कॉस जीरो क्या होता है वन, आंसर इज ए इंटू बी। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन कहेगा तो हमें मालूम ही है कॉस जीरो लेना है और आंसर वन आ जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी को स्टार लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कह रहे हैं मान लो 90 है, तो ओपन करें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस ऑफ कितना 90, और कॉस 90 क्या होता है जीरो, तो आंसर क्या आएगा जीरो। इसका मतलब अगर दो वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ जीरो है इसका मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। याद रहेगा यहां तक, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं प्रॉपर्टीज। जैसे आपको एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें ए वेक्टर गिवन होगा और बी वेक्टर गिवन होगा, ए वेक्टर विद डायरेक्शन गिवन होगा आई जे के, बी वेक्टर विद भी विद डायरेक्शन गिवन होगा आई जे के, दे दिया। और क्वेश्चन में क्या निकालना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? अब देखने वाली बात यह है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला है ओपन करके तो क्या आता है ए बी कॉस थीटा, कोई डाउट इसमें? सही एकदम। मेरे को ए वेक्टर गिवन है तो मैंने किसी स्टूडेंट को यह क्वेश्चन दिया, जैसे ए वेक्टर गिवन है 2 जे कैप और माइनस 3 के कैप, और मुझे बी वेक्टर भी गिवन है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है? तो मैंने किसी स्टूडेंट को कहा कि यार ये वैल्यू निकाल दे, बोलता कोई दिक्कत ही नहीं है ये लो, ए की जगह वैल्यू पुट करनी शुरू कर दी, ए का मैग्नीट्यूड बोलो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बी की जगह वैल्यू पुट करनी शुरू कर दी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, राइट? तो उसने ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, और फिर मैंने कहा आगे, वो कहता था कॉस थीटा में एंगल तो पता ही नहीं, एंगल दे दो। मैंने कहा एंगल तो मैं दूंगा ही नहीं, ऐसे निकाल। तो कहता ऐसे निकाल नहीं सकता, फंस गया बीच में, ए निकाल सकता है बी निकाल सकता है लेकिन नहीं मालूम, तो यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसको क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है आई जे के, और वो सारी वैल्यूज कहां पुट कर रहे हैं? राइट हैंड साइड में। एक काम करते हैं, राइट की जगह ना लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। एक ही बात है, चाहे मैं राइट में पुट करूं चाहे मैं लेफ्ट में पुट करूं कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में ए वेक्टर की जगह, ए वेक्टर की जगह एज इट इज पूरा का पूरा वेक्टर डाल देता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह एज इट इज पूरे का पूरा वेक्टर डाल देता हूं बी वेक्टर, कोई डाउट इसमें? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैं ए बी कॉस थीटा यूज ही नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे को एंगल पता ही नहीं, तो फायदा ही कोई नहीं इसको यूज करके, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह एज इट इज बी वेक्टर पुट किया, मैं राइट हैंड साइड वाला कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं कर रहा, मेरे को जो कहा गया बस मैंने उसकी वैल्यू यहां पुट कर ली। क्लियर? तो सबको ये स्टेप क्लियर है पहले वाला? अब इस ब्रैकेट को ओपन करें। ओपन करने का तरीका, पहली टर्म इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई, फिर दूसरी टर्म इन तीनों से मल्टीप्लाई, फिर तीसरी टर्म इन तीनों से मल्टीप्लाई, कुल मिला के कितनी टर्म्स? 9 टर्म्स निकलेंगी इसमें। खोल के देखते हैं, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई, डॉट नहीं भूलना प्लीज, आई डॉट आई, 2 को बाहर रखो कोई दिक्कत नहीं, 2 तो स्केलर है बाहर आ जाएगा, 2 इंटू आई डॉट आई, 2 इंटू 2 को बाहर रख लिया आई डॉट आई, फिर इस टर्म को इससे 3 को बाहर लिख लिया आई डॉट जे, फिर इसको इससे 4 इंटू आई डॉट के, फिर इसकी बारी, इस टर्म को इससे 2 इंटू 2 4 बाहर आ गया जे डॉट आई, इस टर्म को इस टर्म के साथ 2 इंटू 3 6 जे डॉट जे, इस टर्म को इसके साथ कितना 8 इंटू जे डॉट के, फिर इस टर्म को इसके साथ माइनस 6 इंटू के डॉट आई, फिर इस टर्म को इसके साथ माइनस 9 इंटू के डॉट जे, फिर इस टर्म को इसके साथ माइनस 12 इंटू के डॉट के। क्या स्टेप क्लियर है? ओपन कर लोगे, स्केलर को बाहर रखे ब्रैकेट में डॉट प्रोडक्ट लगा लोगे। अब फॉर्मूले सबको आते हैं, आई डॉट आई क्या होता है 1, आई डॉट जे 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, तो आंसर आ गया 2 इंटू 1 कितना 2, 6 इंटू 1 कितना 6, 12 इंटू 1 कितना 12, माइनस 12, सॉल्व करके माइनस 4, स्केलर आ रहा है चेक करो, आई जे के उड़ गया, सॉल्व करने पे आई जे के नहीं आ रहा, डायरेक्शन नहीं आ रही, वैल्यू नंबर आ रहा है, इसका मतलब इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, कोई डाउट इसमें?
ठीक है यहाँ तक। अब एक प्रॉब्लम है, इतना बड़ा करने की जरूरत क्या है, क्योंकि सबको मालूम है कि आई को मल्टीप्लाई करते हैं जब आई के साथ तब तो वन आता है, लेकिन जे और के साथ तो 100% आंसर जीरो। तो मत करो, आप एक काम करो, रिड्यूस करो, शॉर्टकट लगाओ। आप एक काम करो, जब डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन आएगा, आप आई वाली टर्म को आई से करो, जे वाली टर्म को जे से करो, के वाली टर्म को के से करो, आपस में मल्टीप्लाई नहीं करो, क्योंकि आंसर तो जीरो ही आना है। तो आई वाली टर्म को आई से करेंगे तो सीधा क्या आएगा, टू। इस टर्म को इससे करेंगे तो सीधा क्या आएगा, सिक्स। और इसको -12 आंसर सीधा आ गया, स्केलर डन। आगे से इतना लंबा नहीं करेंगे, सीधा ही कर देंगे। ठीक, बोल। ठीक, कोई डाउट इसमें? जैसे सपोज ए वेक्टर इज आई कैप, जे कैप, के कैप एंड बी वेक्टर इज 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। बोलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट निकालो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? 9. कैसे किया? i को i के साथ कर लिया सीधा 2, j को j के साथ, k को k के साथ। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो कितना आंसर आ गया? आंसर तो मैं इतना लंबा कुछ नहीं कर रहा, बस सीधा उठाया पेन और सीधा आंसर, डन। क्लियर है यहां तक? बोलो। स्केलर माइनस, स्केलर नेगेटिव नहीं होते? स्केलर स्केलर है, डायरेक्शन नहीं आई ना, नंबर कुछ भी आए स्केलर स्केलर है। ये कोई रूल नहीं है कि नेगेटिव नहीं होते स्केलर। तो हाँ, तो नाम ही स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर के स्केल अगर आ जाएगा तो फिर इसका सिलेबस ही चेंज हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा यार। यूनिट्स में बात क्यों कर रहे हो अभी? मैं आगे आने वाले मन से बनाए हुए क्वेश्चन है यार, जब रियल टाइम आएगा तो कुछ सोच साच के दे देगा कुछ। ठीक है, तो अभी ये रियल टाइम के साथ नहीं, मैं डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लो बस, जितना भी आया। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? प्रूव दैट एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो एंगल उनके बीच में क्या होता है, 90, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? करके देखें, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, या अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, वी कैन से दैट ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। चेक करें तो ए वेक्टर लिखो, बी वेक्टर लिखो, ए की जगह ए वेक्टर डॉट बी की जगह बी वेक्टर। हाँ, 90 आएगा, प्लीज 90 आएगा, जीरो की जगह 90 करो, कॉस 90, राइट? ठीक, क्लियर है यहां तक? तो इस केस में चेक करें, 2 आई को आई के साथ तो क्या आएगा, 2 जे को जे के साथ, के को के के साथ, तो ये आएगा -1, ये क्या आएगा -1, तो आंसर क्या आ गया, जीरो। तो आंसर जीरो आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब एंगल उनके बीच में 90 है, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, सही, चेक हो गया। कोई डाउट इसमें? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन एंड दे आर गिवन, दे आर परपेंडिकुलर, वो तो पूछ नहीं रहा, बता रहा है कि परपेंडिकुलर है, पर उसमें से एक वैल्यू को मिस कर दिया सी, और वो कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो बताओ सी क्या होगा? भाई जब ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। तो ए वेक्टर की जगह पूरा ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। क्लियर है यहां तक? I वाली टर्म को I के साथ 2, J वाली टर्म J के साथ -3, K के साथ -18। सॉल्व कर लो, C की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, हो जाएगा सॉल्व। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफी यूज होती है, कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो अगर आज के बाद अगर आपको A वेक्टर और B वेक्टर गिवन है और कोई कहे कि इनके बीच में एंगल निकालो, तो आप एंगल निकाल सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला लिख लो, ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो ए बी इसके नीचे आ गया, तो फॉर्मूला क्या बना कॉस थीटा का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। यूज कैसे करना है ध्यान से देखना, क्वेश्चन है एंगल निकालो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में। ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है,
एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा लिखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा, तो आप ए कॉस थीटा को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, राइट? ठीक है, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर लिख लिया डॉट प्रोडक्ट के साथ, न्यूमिनेटर समझ में आ गया। डिनोमिनेटर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट लें, आई को आई के साथ माइनस 1, जे को जे के साथ 2 और माइनस इसके साथ प्लस 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना रूट 6, इसका रूट 6, तो ये क्या आएगा 2 प्लस 2 4, माइनस 1 कितना 3, रूट 6 कितना 6, 1 बाय 2। कॉस थीटा कितना आ गया 1 बाय 2, तो थीटा क्या आएगा 60 डिग्री। समझ में आया कैसे करना है? ठीक, फॉर्मूला लिखो कॉस थीटा का, ए वेक्टर बी वेक्टर ए बी पुट करो, सॉल्व करो आंसर। क्लियर है? तो आज की बात यानी कि वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हमें मेथड पता लग गया। ठीक, कोई डाउट इसमें? लो करो सॉल्व, एंगल निकालो ए वेक्टर बी वेक्टर में, आप निकालो। कितने लोगों का आंसर 90? अच्छा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, ए वेक्टर की जगह वैल्यू पुट कर लो आई जे के डॉट, बी वेक्टर की जगह माइनस आई माइनस जे, माइनस आई माइनस जे एंड 2 के डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का मॉड इज 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, और इसका मॉड माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे। पर यहां तक जाने की जरूरत पड़ी नहीं होगी, क्योंकि जब आई को आई के साथ करेंगे तो न्यूमिनेटर क्या आएगा, माइनस वन एंड प्लस 2, तो डिनोमिनेटर कुछ भी आए न्यूमिनेटर क्या आ गया 0, तो आंसर क्या आ गया 0, तो कॉस थीटा इज 0, थीटा इज 90। समझ में आ रहा है यहां तक? तो वैसे तो कई लोगों को सीधा ही पता लग जाता है कि डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, और अगर ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एंगल बिटवीन देम इज 90। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, एंगल कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 से ऊपर नहीं होगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो एक काम करते हैं पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो एक काम करो ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड करते हैं, आई को आई में ऐड करेंगे तो 8 आई कैप, जे को जे में करेंगे 7 जे कैप, के को के में करेंगे तो 9 के कैप। ये स्टेप क्लियर है? तो क्वेश्चन है कि ये एक रिजल्टेंट वेक्टर हो गया और इसने थीटा एंगल बनाया, किसके साथ बनाया, एक्स के साथ, तो मुझे एंगल बताना है थीटा क्या होगा, तो दूसरा वेक्टर क्या होगा, एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, आई कैप, ये इंपॉर्टेंट है, तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा यूनिट वेक्टर है, आई कैप। तो यानी कि दूसरा वेक्टर जो होगा वो, सपोज मैंने ले लिया आई कैप, पहला वेक्टर तो रिजल्टेंट हो गया, इसने एंगल थीटा किसके साथ बनाया, एक नए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, और एक्स का मतलब क्या लेना है, आई कैप। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर डिवाइडेड बाय आर इनटू एस, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी, ऐसे आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर बाय आर एस,
यही होगा। तो इसमें आर वेक्टर कुछ भी जो रिजल्टेंट आया, 8 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 9 के कैप डॉट एस वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस, अगर जे नहीं है तो क्या लिखेंगे, जीरो। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो जीरो लिखो, नहीं कुछ मत लिखो, एक ही बात है। तो 1 जे कैप नहीं मानना, इसको 0 जे कैप मानना है। अकेले आई कैप को क्या लिख सकते हैं, 0 जे और 0 के। ये स्टेप क्लियर है, सवाल में डाउट है। ये रिजल्टेंट आ गया ए वेक्टर बी वेक्टर मिला के, इसने एंगल किसके साथ बनाया, एक्स एक्सिस, एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो आई कैप। अब मेरे को इन दोनों के बीच में एंगल बताना है। एंगल बताने का तरीका क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर बाय आर एस, ए बी की जगह आर एस कर दिया, वो तो एक ही बात है। हाँ हाँ, बी वेक्टर ले लो यार, ऐसा कर लो, रिजल्टेंट का नाम लिख दो ए वेक्टर, इसका नाम बी वेक्टर रख दो, तो क्या फर्क है, नाम में कुछ नहीं रखा, फॉर्मूला चेंज कर दिया यार। समझ में आ रहा है यहां तक, यहां पे ले ले, बोलो समझ में। ये क्यों लिया, क्योंकि उसने एंगल किसके साथ बनाया, एक्स एक्सिस, तो दूसरा वेक्टर तो पता नहीं। उसने कहा कि आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट लो, तो मैंने ले लिया। इसने एंगल एक्स के साथ बनाया, अब एक्स के साथ एंगल, क्योंकि एंगल निकालने के लिए मेरे को दो वेक्टर चाहिए होते हैं, एक वेक्टर तो है, दूसरा वेक्टर तो है नहीं, तो एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा वेक्टर ले लिया, आई कैप। एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप। अगर वो बोलता कि इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद वाई एक्सिस, तो मैं क्या लेता इसे, जे कैप, अगर जेड एक्सिस होता तो के कैप, ठीक। वो ये कह रहा है कि आपने आर एस नाम क्यों चेंज किया, ए बी क्यों नहीं रखा, ले ए बी लिख लेता हूं। ये लिख लिया ए वेक्टर, ये क्या कर लिया, बी वेक्टर। अब तू कहेगा ए बी की वैल्यू वहां से डालो, मैं कहूंगा वहां से क्यों डालू, क्योंकि मैंने कौन सा ए और बी में एंगल निकालना है, मैं तो एंगल आर और एस में निकालना है, मतलब मेरे चेंज हो गए ना नाम, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, तुम खुद वहीं फंस जाओगे जहां से शुरू हुए हो। अब ये तो उनके लिए है जो याद करते हैं, ए और बी पुट करनी है वैल्यू, बस ए और, ये तो वही बात होगी यार, मैं अलजेब्रा कराने लगा मैथ्स में, मैंने कहा मेरे आंसर में एक्स की वैल्यू 2 आती है, अब हर पेपर में एक्स की वैल्यू 2 ही आएगी, और एक्स की जगह वाई नहीं लिख सकते, कुछ भी लिखो यार क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने एक वेक्टर आर लिया, एक एस लिया, फर्क क्या पड़ा, आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर डिवाइडेड बाय आर इनटू एस। आप ये देखो कि एंगल किनके किनके बीच में निकालना है, एंगल आर और एस में निकालना है, सही है। तो इसका डॉट आर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सिर्फ 1। बात बंद करो, क्लियर है। डॉट प्रोडक्ट लें आई को आई के साथ, तो क्या आएगा 8, इनको तो कर देगा फायदा ही नहीं है, इसको क्या आया अंडर रूट ऑफ, तो ये क्या आ गया कॉस थीटा। अब मुझे तो आता नहीं कॉस थीटा को कैसे सॉल्व करना, हाँ तो बिल्कुल ठीक, तो थीटा को लिख देंगे कॉस इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 194 आंसर, बस छोड़ देंगे, आंसर तो आता नहीं तो ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कॉस थीटा निकालना है फिर जरूरत नहीं है, आंसर आ गया, उसे थीटा बोला ही नहीं, उसे कॉस थीटा बोला फिर तो और भी आसान हो गया, थीटा बोलता नहीं पता तो ऐसे ही कर देते कॉस इनवर्स। समझ में आया कैसे करना है, ठीक है समीत, समझ में आ रहा है कैसे करना है, ट्राई करो नेक्स्ट।
देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ना जैसे कई लोग मल्टीप्लाई करता देख रहा हूं मैं, और मैंने साफ साफ मना किया था ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर अगर लिखते हो वेक्टर को वेक्टर के बीच में डॉट या क्रॉस पक्का आएगा, फिर भी काफी लोगों ने ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कुछ लिखा ही नहीं, कुछ नहीं लिखा तो आंसर नहीं आएंगे। ठीक, मैं करके दिखाता हूँ। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करनी है, आपको प्रूव करना है। एक काम करो, आप लेफ्ट हैंड साइड लिखो तो क्या है ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर डॉट टू ए वेक्टर माइनस थ्री बी वेक्टर। हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और हम राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। देखो कैसे, बीच में डॉट लगा हुआ है, आपने कुछ नहीं करना, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हो बिल्कुल वैसे ही ओपन करें। ए वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करें, टू इंटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट को ना छोड़े प्लीज, टू तो बाहर आ गया, ए वेक्टर डॉट ए। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस थ्री इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस फोर इंटू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस सिक्स इंटू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया। कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है? चार टर्म्स आ गई आपके पास। क्योंकि ये स्टैंडर्ड आईजे वाला क्वेश्चन नहीं है तो आप इसको ऐसे फॉर्मूले मत पुट करें, ध्यान से करें। अब देखो, टू इंटू इसको अगर ओपन करें तो फॉर्मूला बोलो, ए इंटू ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए इज जीरो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ए वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए वेक्टर का, ए वेक्टर के साथ ही एंगल क्या बनता है, जीरो। एक वेक्टर का अगर मैं कहूंगा इस पेन का एंगल इस पेन के साथ ही क्या है, सेम डायरेक्शन, जीरो। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ओपन कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ओपन करें, वैल्यू ऑफ ए इंटू आप भूल गए, ये फॉर्मूला नहीं भूलना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू इंटू एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, ये फॉर्मूला है ना। तो मैं कह रहा हूं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाल दो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी थोड़ी ना होगा, अब तो ए ही आएगा, इंटू एंगल क्या आएगा, जीरो। क्योंकि अगर ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का खुद के साथ ही एंगल क्या बनेगा, जीरो। वही खुद अगर मैं इधर जा रहा हूं और मेरी एक कॉपी भी इधर ही जा रही है तो ऑब्वियसली एंगल तो जीरो ही बनेगा ना, तो एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या बनेगा, जीरो। तो ये पॉइंट क्लियर है सबको, यहां तक कैसे आया चेक करो, प्रणित क्लियर है? आगे तो अब इसको ओपन करते हैं, माइनस थ्री, बोलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ए बी एंगल इनके बीच में मुझे मालूम नहीं तो लेट अस सपोज एंगल ए और बी में कितना है, थीटा। अब थीटा तो मालूम नहीं, अब ए और बी में तो एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा की फॉर्म में छोड़ दिया, आंसर भी थीटा की फॉर्म में है तो चलेगा। प्लस फोर टाइम्स बोलो क्या आएगा, बी इंटू ए इंटू एंगल थीटा। वैसे भी हमने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था अभी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एग्जैक्टली सेम ही तो रिजल्ट देगा, एक ही बात है। माइनस सिक्स इंटू बोलो क्या आएगा, बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज जीरो, क्योंकि बी वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या आता होगा, जीरो, जो भी होता होगा, राइट। ओपन कर लिया सारा डॉट प्रोडक्ट, तो यहां पर क्या आएगा, टू इंटू ए का स्क्वायर थ्री इंटू ए बी कॉस थीटा फोर इंटू ए बी कॉस थीटा माइनस सिक्स इंटू बी का स्क्वायर, तो टू ए का स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा माइनस सिक्स इंटू बी का स्क्वायर इज द आंसर। प्रूव हो गया? हो गया। तो आज के बाद इस टाइप की जो प्रॉब्लम आएगी जिसमें ब्रैकेट लगा होगा और दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, सिंपली ओपन कर दें, डॉट प्रोडक्ट को अपने फॉर्मूले से ओपन करें, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज ए इंटू कॉस जीरो, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, क्योंकि इनके बीच में मुझे एंगल पता नहीं कितना है, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा बी इंटू कॉस जीरो, क्योंकि बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ तो एंगल पक्का ही जीरो आएगा। आंसर
वही तुम्हारे वाला क्वेश्चन है कि कैसे पता लगेगा कि किसमें क्या लगेगा, कि कभी कभी मैं लिख देता हूँ आई कैप जे कैप, कभी कभी ऐसे लिख देता हूँ, कभी कभी एंगल निकाले, इसको प्रैक्टिस बोलते हैं। अब मुझे देखे देखो, मैं आपको बता दूंगा कैसे लगेगा, क्योंकि मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिस है। ये इसका रूल ना पूछो कि बस ये बता दो कि इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, और हम फटाफट दो मिनट पुट करें और हो गया हो गया हो गया, नहीं होगा। ये यही तो असली चीज है, इसी को तो कहते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा सीखना है। तो घर जाके जब लिखोगे ना, और लिखते लिखते सोचोगे, और दो नए तरीके भी सोचोगे जो आपके माइंड में, अब दो तीन तरीके हैं कि मैं ऐसे करके देखता हूं कि क्या आंसर आता है, फिर बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ऐसे नहीं दिखेगा, बताने पे नहीं दिखेगा कि यही लगेगा। अगर ऐसी बात है तो भी ठीक है, मैं रूल बना देता हूं। अगर आई कैप जे कैप के कैप में गिवन है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में वैल्यू पुट कर लो, ए कैप आंसर आ जाएगा। अगर थीटा निकालना है, कॉस थीटा का फॉर्मूला रट्टा मार लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी, चलो डन हो गया। फिर तीसरा अगर ऐसा गिवन है, ऐसे ओपन कर लिया, अगर वो आंसर आ जाएगा, ये कोई ये कैसे पढ़ाई होगी यार। फिर वहां पेपर आएगा, वो नया बना देगा क्वेश्चन, आपको ये कैसे करना है, तो कराया नहीं। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करके ही डेवलप करना पड़ेगा, बस यही तो मुश्किल काम है यार। और मुश्किल है क्या, आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। आज तक किसी स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि वेक्टर की वजह से मैं रह गया, जिससे मर्जी, मैं कहता हूं प्लस टू का जो मर्जी ना पढ़ने वाले स्टूडेंट को पकड़ लो, जिससे मर्जी पूछ लो, वो कहेगा यार वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली कैलकुलस की तरह है। हम अब थोड़ा डीप एनालिसिस कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत कर ली, यूज कितनी की हो रही है, बहुत ज्यादा यूज थोड़ी ना हो रही है, बिल्कुल वैसे ही है, हम कर अच्छे से रहे हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन में आएगी तो नॉर्मल एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, तो इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नॉर्मल आपको समझ में आना चाहिए, जो हम कर रहे हैं सफिशिएंट है, ठीक। और लास्ट टॉपिक आज का, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, बहुत ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी अगर मिस किया तो। सपोज करो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जिसमें यह पूछा कि देयर इज अ वेक्टर पी वेक्टर एंड दिस इज एक्स एक्सिस, बताओ पी वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे क्या होगा। तो आपने क्या ड्रॉ करना है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, ये क्या निकल के आएगा, इसका एक कंपोनेंट, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, पी कॉस थीटा, ऐसा हमने किया, ठीक है। और अगर मैं ये पूछूं कि इस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे पी कॉस थीटा, और डायरेक्शन कहां है, अलोंग एक्स एक्सिस, जिसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, पी कॉस थीटा के पीछे आई कैप, कोई डाउट इसमें, ठीक, राइट, क्लियर है यहां तक। अगर मैं यहां चेंज कर दूं और बोलूं कि ये तो वाई एक्सिस है, तो आप यहां अलोंग वाई एक्सिस और यहां पर जे कैप। अगर मैं कहूं जेड एक्सिस, जेड एक्सिस तो के कैप। अगर मैं कहूं को मुझे पता नहीं कौन सा एक्सिस, और सपोज पता नहीं कौन सा कोई बी वेक्टर के अलोंग निकाल लो, अब होता होगा बी वेक्टर कुछ, तो कोई बात नहीं, हम यहां पर क्या लगा देंगे, हाँ समझ में आया यहां तक। तो अलोंग एक्स एक्सिस तो आई कैप, वाई एक्सिस तो जे कैप, बी वेक्टर के अलोंग तो पी कैप, पॉइंट समझ में आया। अब चलते हैं थ्योरी के ऊपर, ए वेक्टर है, फिर से बताऊं, देखो अगर ए कॉस थीटा कंपोनेंट आया, हाँ आपको पूछ रहा हूं, तो अगर ए कॉस थीटा कंपोनेंट आया और डायरेक्शन किसके अलोंग आई, एक्स एक्सिस, तो लिखना है आई कैप। अगर मैं क्वेश्चन में दूं वाई एक्सिस, मैं देने वाला पूछेगा आपको, बताएगा कि किसके अलोंग चाहिए, वाई एक्सिस तो जे कैप, और अगर कुछ भी ना देते हुए बी वेक्टर कर देगा तो पीछे बी कैप, यूनिट वेक्टर लगा देना है। मैं दिखाता हूं कैसे, देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, दो वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा। मेरा क्वेश्चन है कि ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालो बी वेक्टर के ऊपर क्या होगा। तो आपने सबसे पहला रूल क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, और आपने इसका कंपोनेंट क्या बोलना है, अगर ये ए है ये थीटा है तो ए कॉस थीटा, लेकिन क्योंकि मैंने एक्स वाई जेड तो दिया नहीं, तो आप सिंपली आंसर क्या बोलेंगे, ए कॉस थीटा अलोंग बी वेक्टर, कि जिस तरफ बी वेक्टर जा रहा है उसी तरफ मेरा कंपोनेंट जा रहा है, और अलोंग बी वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे, पी कैप, क्लियर यहां तक। तो जैसे फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ओवर एक्स एक्सिस, देखो आसान कर दिया उसने कहा कि कोई वेक्टर है, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है ए वेक्टर, मान लो कुछ भी दे दो ए वेक्टर, इसका कंपोनेंट किसके ऊपर निकालना है,
एक्स के ऊपर। तो मान लो, देखो कंपोनेंट निकालने के लिए अपने मन में मानना पड़ेगा कि एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा। आंसर में क्या लिखा जाएगा, ए कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस। डन, क्लियर यहां तक? अब अलोंग एक्स एक्सिस की जगह आई कैप, क्लियर है? एंगल तो मैंने अपने मन से माना, गिवन नहीं है मुझे, तो इसके लिए डॉट प्रोडक्ट काम आएगा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, ए कॉस थीटा इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी, ए वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए वेक्टर की जगह आई कैप जे कैप माइनस थ्री के कैप, बी वेक्टर की जगह मुझे कॉम्पोनेंट किसके अलोंग निकालना है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो दूसरा कॉम्पोनेंट क्या माना जाएगा, एक्स एक्सिस, एक्स को क्या लिखा जाएगा, आई कैप। समझाया यहां तक? डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसमें क्या है, वन। तो डॉट प्रोडक्ट लें, आई को आई के साथ तो क्या आएगा, वन, बाकी तो है ही नहीं तो जीरो, तो ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, वन। तो मैंने लिख दिया हेयर ए वेक्टर इज गिवन, और बी वेक्टर को एक्स एक्सिस की तरह क्या ट्रीट किया जाएगा, जस्ट आई कैप। क्लियर यहां तक? कोई डाउट इसमें? मैंने कहा ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट एक्स पे निकालना है, तो ए वेक्टर तो पता है, दूसरा वेक्टर किस पे निकालना है, एक्स एक्सिस, तो दूसरे वेक्टर का नाम दे लो आई कैप। तो अब आपको ये निकालना है, ए कॉस थीटा के लिए ए वेक्टर बी वेक्टर पुट करो, बी का मैग्नीट्यूड पुट करो जो कि वन है, डॉट प्रोडक्ट लो, आंसर वन आ गया। आपको ये आंसर निकालना है, इसमें ए कॉस थीटा कितना आया, वन, और डायरेक्शन आपको पता है आई कैप, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ वन आई कैप। क्लियर है यहां तक? मैं फिर से करके दिखाता हूं, फिर ध्यान से ऑब्जर्व करना सेकेंड टाइम, फिर डाउट है फिर पूछना, अब क्लियर हो जाएगा। बोलो, हाँ वेक्टर होगा ना ये, आई कैप लग गया तो वेक्टर है। फिर देखो एक बार, फिर देखो, फिर डाउट लेता हूं, ये ज्यादा बेटर क्वेश्चन है, ध्यान से फिर देखो प्लीज। इस बार कंपोनेंट निकालना है ए वेक्टर का, इसका नाम ए वेक्टर दे लो, अलोंग किसके ऊपर, अब आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस नहीं है, कोई नया वेक्टर बना दिया, बना दे, क्या दिक्कत है, ए वेक्टर, नए वेक्टर का नाम गिवन है, तो बी वेक्टर, अपने मन में एंगल थीटा, ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो कंपोनेंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, ए कॉस थीटा अलोंग डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, एक्स और वाई तो है नहीं, बी वेक्टर, ए कॉस थीटा। अब अगर एक्स एक्सिस होता तो आई कैप, वाई होता तो जे कैप, बी वेक्टर है तो बी कैप, ठीक है यहां तक? अब ये दो क्वेश्चन बन गए, इसको अलग निकालना है, इसको अलग निकालना है। ए कॉस थीटा के लिए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ए कॉस थीटा एक तरफ, बी इसके नीचे आ गया तो फॉर्मूला बन गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ए कॉस थीटा एक तरफ, बी इसके नीचे आ गया तो ये फॉर्मूला बन गया। ए वेक्टर मुझे गिवन है, बी वेक्टर मुझे गिवन है, पुट किया, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अंडर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर, वन का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर, पुट कर दिया। डॉट प्रोडक्ट लें, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ, चेक करो, तो आई को आई के साथ तो क्या आएगा, थ्री, जे को जे के साथ तो क्या आएगा, टू, के को के साथ तो आंसर आएगा थ्री, अंडर रूट ऑफ इलेवन, ए कॉस थीटा आ गया, ठीक, ए कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें, ए कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट से निकलेगा ए कॉस थीटा, तो आपका आधा आंसर पता लग गया आपको। आधा क्या है, बी कैप, बी कैप के लिए बी वेक्टर लिखो, बी वेक्टर से बी कैप कैसे लिखते हैं, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर पता है, बी का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब आपके पास क्या आ चुका है, आपके पास ए कॉस थीटा ये आ गया, बी कैप ये आ गया, ए कॉस थीटा की जगह ए कॉस थीटा, बी कैप की जगह बी कैप, पुट कर दिया, मल्टीप्लाई करें, रूट ग्यारह को रूट ग्यारह से ग्यारह, आंसर। इस तरीके से आप इसके कॉम्पोनेंट्स बनाएंगे, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगला लेक्चर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, जिसको इसमें डाउट है वो रुक जाए दो मिनट के लिए, और जिसको घर से पढ़ के आना है वो घर से पढ़ाए, मैं अगली बार एक क्वेश्चन बनाऊंगा, हम यहीं से रिवाइज करते हुए स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से। तो प्लीज अगली बार टेस्ट के लिए तैयार करके आना, यहां तक मैं दो पार्ट्स में लेना चाहता हूं, सफिशियंट है इतना सिलेबस तीन लेक्चर का, तो अगली बार तो पक्का ही लूंगा। प्लीज जो भी करवाया उसको बहुत अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है यहां तक? कोई डाउट है तो रुक सकता है, नहीं तो यहीं से